नमस्कार। अंधेरे से उजाले की ओर जाना ही जीवन की रीत है। हमारा सारा जीवन उस परम धाम की खोज है जहाँ कोई अंधेरा नहीं, दसों दिशाओं में बस प्रकाश ही प्रकाश है। अंधेरे से प्रकाश की इसी यात्रा का नाम दीपावली है। दीपावली माँ लक्ष्मी की रात है और ये देवी महालक्ष्मी की शक्ति है जो अमावस की इस रात को भी पूनम कर देती है। सत्कमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमें असत्य से सत्य तक और अंधकार से प्रकाश तक ले जाती है। दीपावली प्रकाश का पर्व है और देवी लक्ष्मी आदि शक्ति का वो रूप है जो हमारे जीवन का हर अंधियारा मिटा के हमें प्रकाश का वरदान देती है। अमृत प्राप्त करने के लिए जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत के साथ समुद्र से कुल 14 रत्न निकले। उन्हीं 14 रत्नों में से एक थी माँ लक्ष्मी। देवी महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया और इस तरह भगवान विष्णु के साथ वो भी इस सृष्टि की पालनहार बन गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मनुष्य इस सृष्टि में ईश्वर की सबसे प्रिय रचना है। जीवन के पथ पर हमें सुखों की छाव देने के लिए ही देवी लक्ष्मी का अवतार हुआ है। माँ आदि शक्ति के जिस रूप को हम ममता का महानतम रूप कह सकते हैं, वो है देवी महालक्ष्मी का रूप। और देवी महालक्ष्मी की कृपा जिस धरती पर आठों पहर बरसती रहती है, वो है कोल्हापुर, जहाँ पंच गंगा के तट पर साक्षात देवी महालक्ष्मी विराजमान है। महालक्ष्मी आदि शक्ति का रूप है। कभी महाकाली के रूप में वो असुरों का संहार करती है, तो कभी महालक्ष्मी के रूप में वो धन और वैभव की वर्षा करती है। इस सृष्टि में देवी महालक्ष्मी ही वो शक्ति हैं जिनकी कृपा से मोक्ष और धन दोनों ही निधियां एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। देवी महालक्ष्मी धन संपदा और वैभव की देवी हैं। वो सारे संसार को आनंद का आशीर्वाद देती हैं। शायद इसीलिए उन्हें विश्वानंदा भी कहा जाता है। ज्ञान, कर्म और बुद्धि, ये तीनों अनमोल उपहार हमें देवी महालक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जयंती मंगलाकाली। देवी का दर्शन साक्षात माँ आदिशक्ति का दर्शन है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। माता महालक्ष्मी के दरबार में हमें और भी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अन्याय के अंधेरों में
न्याय की ज्योति जलाती देवी महाकाली हैं, तो कहीं अपनी वीणा से ज्ञान की रागिनी बहाती माँ सरस्वती हैं, एक और मंगल मूर्ति श्री गणेश हैं, तो दूसरी ओर सूर्य पुत्र शनि महाराज हैं। करवीर यानी कोल्हापुर की धरती पर ईश्वर के इन सभी रूपों के साथ विराजमान हैं देवी महालक्ष्मी, जिनके आंचल की छांव में बैठ के जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। सर मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देवी महालक्ष्मी के शरण में जो आ गया उसके जीवन में सब मंगल ही मंगल है। रचना करने वाले परमेश्वर ही सृष्टि की रक्षा भी करते हैं। जब न्याय की ज्योति अन्याय की आंधियों से बुझने लगती है तब माँ आदिशक्ति प्रकट होती हैं और इस संसार को अत्याचारों से मुक्त करके अभय दान देती हैं। पुराणों में कोल्हापुर का वर्णन अनंत के नाम से किया गया है। कहते कभी यहाँ कोलासुर नामक राक्षस का राज था। कोलासुर ने अपनी अपार शक्ति से देवताओं को वश में करके यहाँ भारी तबाही मचा रखी थी। देवी महालक्ष्मी ने भगवान शंकर की कृपा से कोलासुर का वध किया और इस धरती को कोल्हापुर का नाम देकर वो यही विराजमान हो गई। न्याय और अन्याय के इस युद्ध में माँ अकेली नहीं थी, अलग अलग रूपों में ईश्वरीय शक्ति ने उनकी मदद की। इन्हीं में से एक रूप था देवी त्रयंबोली का, जिन्होंने माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से कोल्हापुर को कामाक्ष राक्षस के आतंक से मुक्त किया। कहते एक बार कोलासुर के पुत्र कामाक्ष ने इस नगर पर आक्रमण कर दिया। देवी महालक्ष्मी ने अपनी प्रिय सखी देवी त्रयंबोली को कामाक्ष राक्षस से युद्ध करने के लिए भेजा। देवी त्रयंबोली ने कामाक्ष की सारी शक्तियां छीनकर उसे युद्ध में पराजित किया। देवी महालक्ष्मी ने इस विजय का उत्सव मनाया, लेकिन वो इस उत्सव में माँ त्रयंबोली को आमंत्रित करना भूल गई। माँ त्रयंबोली इस बात पर रूठ गई और उनकी ओर पीठ करके इस मंदिर में विराजमान हो गई। देवी महालक्ष्मी उन्हें मनाने के लिए आई, लेकिन माँ त्रयंबोली नहीं मानी। कहते हैं तभी से पंचमी के दिन सभी देवी देवताओं के साथ देवी महालक्ष्मी उन्हें मनाने के लिए यहाँ इस मंदिर में आती हैं। देवी त्रयंबोली और माता महालक्ष्मी ने इस धरती की सुख और शांति के लिए असुरों से धर्मयुद्ध किया, और जब शांति के लिए धर्मयुद्ध हो रहा हो तो महामृत्युंजय भगवान शंकर उस युद्ध से कैसे दूर रह सकते हैं। करवीर की इस पुण्य भूमि पर केदारनाथ भगवान शंकर भी ज्योतिबा के रूप में विराजमान है और ये संदेश दे रहे हैं कि जब जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा वो हमारी रक्षा के लिए अवतार अवश्य लेंगे।
मान्यता है कि ज्योतिबा ही साक्षात भगवान केदारनाथ का रूप है। कहते हैं देवी महालक्ष्मी की प्रार्थना पर भगवान केदारनाथ ने ही ज्योतिबा के रूप में जन्म लिया था। ज्योतिबा ने देवी महालक्ष्मी के साथ मिलकर असुरों का संहार किया और इस धरती को शांति का आशीर्वाद दिया। ये ईश्वर में हमारा अटूट विश्वास ही है कि हम उनसे भी प्रेम का संबंध स्थापित कर लेते हैं। करवीर में रहने वालों के लिए ज्योतिबा भगवान ही नहीं मित्र और पिता स्वरूप भी हैं। यह ज्योतिबा से लोग अपना सुख दुख कुछ इस तरह बांटते हैं जैसे वो किसी बहुत अपने से अपने मन की बात कह रहे हों। ज्योतिबा भगवान शंकर भी यहाँ के लोगों के रंग में रंगे हुए हैं। हर पूर्णिमा को लोग गुलाल से उनका अभिषेक करते हैं और वो बड़े प्रेम से अपने भक्तों की ये रंग बिरंगी आराधना स्वीकार करते हैं। देवी महालक्ष्मी के इस महातीर्थ में आकर अंतरात्मा को उस दिव्यता का एहसास होता है जिसका वर्णन शब्दों की नहीं भावनाओं की भाषा में ही संभव है। मातेश्वरी, भूतेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महादुर्गा, ये सब माँ आदि शक्ति के रूप हैं। माँ को जिस नाम से भी पुकारो, माँ हमारे दुख हरने के लिए उसी रूप में प्रकट हो जाती है। महालक्ष्मी नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। कहते हैं वो अमावस्या की ही रात थी जब देवी महालक्ष्मी ने समुद्र के गर्भ से जन्म लिया था। ये तो माँ की कृपा समय की सीमाओं से परे है, लेकिन दीपावली वो शुभ मुहूर्त है जब हम प्रेम के दिए जलाकर देवी महालक्ष्मी को अपने घर आने का बुलावा भेजते हैं। महालक्ष्मी पूजन एक प्रार्थना है कि माँ हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भर दे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तते। स्कंद पुराण कहता है दिवाली के दिन दीप जलाकर माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाए तो माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ये वो समय है जब देवी हमारी श्रद्धा पर संसार की सारी निधियां न्यौछावर कर देती है। श्री गणेश विघ्न हरता है, सारे देवी देवताओं से पहले उनकी पूजा होती है, लेकिन दीपावली की रात देवी महालक्ष्मी के साथ उनकी आराधना करने से भाग्य का लिखा भी बदल जाता है। कहते हैं देवी महालक्ष्मी पूर्ण रूप से तभी प्रसन्न होती हैं जब उनके साथ गणाधीश श्री गणेश की उपासना भी पूरे विधि विधान से की जाए। दीपावली को कुबेर यामिनी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की इस रात में जब चंद्र और सूर्य तुला राशि में आते हैं उस समय मां लक्ष्मी की उपासना करके जो मांगो मिलता है।
साधना है जो हर अंधियारे को जीत लेती है। देवी महालक्ष्मी से हमें इसी साधना का आशीर्वाद लेना है। आइए माँ के चरणों में दीप जलाकर प्रार्थना करें कि ये दिवाली एक रात तक सिमट कर न रह जाए। जब तक सूर्य में ज्योति है, ये प्रकाश हमारी आत्मा में यूं ही बिखरता रहे। लक्ष्मी की करुणा आकाश की तरह अनंत है। माँ से लौनक जाए तो संभव है इस दीपावली के दिए कुछ ऐसे उजाले छोड़ जाए जो जन जन्मांतर तक साथ रहे। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम आपसे लेंगे विदा इस विश्वास के साथ कि श्रद्धा का बस एक दीप जला के देखिए, आपके जीवन में खुशियों के हजारों दीप जल उठेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।